पूरी तरह से मदरसे बंद होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, बच्चों को जो बच्चे हैं वो कम से कम, चीज ये है कि अगर सरकार ऐसा कर रही है मदरसों के सिलसिले में सख्ती बरत रही है तो ये अच्छी बात है। देखिए मैं 4 महीने पहले भी इससे पहले रहा हूं और मैं उन गुनाहों का पश्चाताप कर रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं इस पर गर्व करता हूं कि मैं हिंदू किन लोगों से खतरा है? जाहिर सी बात है कि जो कहते हैं सर तन से जुदा और वो मार नहीं चाहते। देखिए अब खतरा हर जगह है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खतरा। जो हरिद्वार धर्म संसद का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से इनकी मेडिकल ग्राउंड पर बेल हुई थी, उसका समय पूरा होने पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद इनका जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जितेंद्र नारायण सिंह, बताया जा रहा है कुछ खतरा भी है इनकी जान को? हाँ, इस तरह की इनपुट्स मिले हैं कि इनकी जान को कुछ कट्टरपंथी संस्थाओं से, संगठनों से खतरा है, इसलिए कोर्ट ने इनकी सुरक्षा का आदेश भी पारित किया है कि जेल में इनको सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित सेल में इनको रखा जाए। तो असल कौन सी कोर्ट में इन्होंने सरेंडर किया और यहाँ के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? इसको CGM कोर्ट में सरेंडर किया है और यहाँ की बात इनको हरिद्वार जिला कारागार में भेज दिया जाए। तो किस मामले में इनको जेल भेजा गया था? ये हरिद्वार धर्म संसद का जो मामला था जिसमें हेट स्पीच की कथित स्पीच को लेके इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसी मामले में इन्होंने सरेंडर किया।